सो भाई अपनी YouTube फैमिली अंधेरी हुई से इंटर भाई किए नहीं निकल रहे हैं यार यहाँ से। तो भाई साहब भाई वगैरह को स्टार्ट करके निकल चुके हैं यार। हाँ बताया नहीं ना सुबह सुबह कहाँ चल रहे हैं आपका भाई यार, इतनी नींद आ रही है सच में, मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं था। पर विकास भाई यानी मोटो लोग एक्सप्लोर विकास भाई ने बोला अरे यार चलो चलो, कौन सा था यार वाटरफॉल क्या बोलते हैं वाटर पार्क, सॉरी गाइस मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ वाटरफॉल वाटर पार्क नाम पे। मेरा तो बिल्कुल ऐसे मन नहीं था यार सडन, लेकिन अपनी एक जो ड्रामा क्यों नहीं उसको घूमने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ रहता है, बोल दे हाँ 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 चलेंगे चलेंगे, बस दिन वहीं चल रहे हैं यार। एक छोटा सा बैग लिए हैं, विकास भाई बोल रहे थे कि यार रील शूट कर लेंगे वीडियोज़ वगैरह बना लेंगे, तो कागज दो सेट कपड़े रख लो, तो दो सेट भाई कपड़े रखा हुआ बस और कुछ नहीं। बस चल रहे हैं यार यहाँ से आगे, बस अपनी ड्रामा क्वीन मिलेंगी उनको लिवाते हैं। और मैडम जी, और मैडम जी इतना क्यों यार, नींद में हूँ मुझे पता नहीं चला कौन है। जैकेट वगैरह कहाँ पहनते, तुम्हें ज़्यादा ठंड लग रही है क्या? नहीं लग रही आपको? नहीं मतलब लग रही है उतनी नहीं लग रही क्या? अब बैग में क्या क्या इतना तुम सामान रख लियो, हद है यार कपड़े। चलो तो गाइस नोएडा में आपका स्वागत है, देख रहे हो 6 बज रहा है, लग ही नहीं रहा एक साला 6 बज रहा है यार, यही होता है भाई पॉल्यूशन सिटी का। तो गाइस आ चुके हैं विकास भाई के यहाँ, ये लोकेशन आपको जानी पहचानी लग रही होगी। आ जाओ भाई, उन्होंने बोला था आते टाइम, मुझे पता है ना किस फ्लोर पे जाना है। नींद आ रही है। सर्कल किसकी बैंड बज गई है? सुबह सुबह 4 बजे उठाओगे तो क्या होगा? और मैं खुद तुमसे ज्यादा सोने वाला बंदा उठ के आया, तुमने बोला तो मेरा तो मन भी नहीं था जाने के लिए समझी, घूमने का बहाना चाहिए बस। Two hours later. ए भाई सुबह सुबह मजदूरी हो रही है। ये कार भाई किधर और रखी है, और ये है भाई माया, माया इनकी यहाँ पे लगी हुई है, शॉटगन बेचारी वहाँ पे पड़ी हुई है भाई। गाड़ी हमने वो सीट को पेंट कर दिया भैया, सीट पूरी फोल्ड हो चुकी है, अब देखते हैं कितना गद्दा पड़ता है। अच्छा ये अच्छा, इसके बराबर बनाने के लिए अब समझ में आया ये और की तो दिस जाएगा, समझ गए अब। हाँ तो भाई साहब अभी का टाइम हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, निकल ही रहे हैं, गाड़ी तो मच्छर आ गया है, खिड़की खोले तब निकला, मार दो यार ये निकल जाएगा। जुल्म नहीं करते हम, बेजीबानों पे जुल्म नहीं करते लेकिन चिकन खा लेते हैं। सही बोलो व्लॉग में वही दिख रहे हैं। अरे चाचा चलाइए गाड़ी, निकल जाएगा ना तो रास्ते में भी, तो मैं थोड़ी मार रही हूँ यार। यो भाई तुम ही लोग का भाई सही है, हम सो सकते हैं, सुबह उठी थी ना मैं, सो सकती हूँ आराम से। तो एक एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल डेवलपर ने बनाया है जिसका नाम निक है। इस सॉफ्टवेयर का रेगुलर यूज करने से भविष्यवाणी की एक्यूरेसी 10% से 100% तक बढ़ सकती है, बस आपको एल्गोरिथम पर भरोसा रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस इम्प्रेसिव है, रियल टाइम विनिंग डिस्प्ले होती है, जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो हम फ्यूचर आर्ट देख सकेंगे। अब मैं इसे लॉन्च कर रहा हूँ, अगला मल्टीप्लायर है 0.59 का, मैं 2000 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ। और गेस क्या, मैं जीत गया, अब मेरा बैलेंस है 8980 रुपए। दूसरी बार मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ट्रूली बड़ा मल्टीप्लायर वेट करूंगा और मैंने 8.74 का मल्टीप्लायर वेट किया है, अब मैं रिस्क ले रहा हूँ 7000 रुपए का। मैं फिर से जीत गया, ये एक असली मिरेकल है। जैसा तुमने देखा मैंने दो गेम में सिर्फ 2000 रुपए से 43,630 रुपए बना लिए, मेरी बस अर्निंग देखो पिछले कुछ दिनों में।
निक मेरे फॉलोअर्स को फ्री में सॉफ्टवेयर लेने का मौका दे रहा है, बस ये स्टेप फॉलो करो। मैंने निक के टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, उस पर क्लिक करें। वहाँ तुम्हें टेक्स्ट मी का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और निक को ये मैसेज भेजें, आई एम कम फ्रॉम प्रयागी राइडर। 100 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर का यूज करके सफलता पाई है और अपनी मन पसंदीदा चीज खरीदी है, तो अब तुम्हारी बारी है वही करने की। तो रेडी हो जाओ लीव लेने के लिए, लिंक पिन कमेंट में है। सो गाइस ये देखो इन लोग को कहाँ गए, अरे वो लड़की कहाँ गई, अरे 35 रुपए बस। ये देखो भैया सिंघाड़े की तालाब है, सिंघाड़े का तालाब है, अंदर जाके तोड़ेगी सिंगारा। अंदर सिंगारा तोड़ने जा रही है। इसको लग रहा है कि ऊपर आम का वो पेड़ है, ऊपर ऐसा रहेगा। भाई साहब स्टाफ रख लो सिंगारा तोड़ने के लिए। आ जाओ जाओ। विकास भाई कौन से गांव में लेके चले आए आप? भाई गांव यहाँ सिंगारा है क्या है सब? और नहीं 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 बिल्कुल, मैं तो जा ही रहा हूँ ना अपने यहाँ, तो मुझे वैसे भी नहीं याद आएगी। ये देखो भैया, अरे भाई देख रहे हो धान कट गया यहाँ पे, री मोरी मैया, अभी हमारे यहाँ धान पीटना है भाई। कल ही मम्मी कॉल की थी, बोली कि भैया जाओ धान कटने वाला है। तुम नहीं जाओगे धान नहीं कटेगा क्या? अरे नहीं, आदमी तो रहते हैं खेत में, लेकिन भाई तब पे जाए ना, देखना पड़ता है ना सब। सबसे ज्यादा चावल तुम ही खाते हो। अरे नहीं ये सिर्फ पिंग पिंग ढूंढ के खा रही, जानते हो। ग्रीन वाले कौन खाएगा तुम लोग? देखो पिंक कितने क्यूट रहे यहाँ पे यार, ये वहाँ हमारे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काले हो जाते हैं। हाँ ये तो है, कलर चेंज हो जाता है इनका, ये फ्रेश है ना, ये फ्रेश है, फ्रेश खा रहे हैं दोबारा लेंगे। इसीलिए गांव के लोग देख रहे हैं ना हेल्दी रहते हैं, पता है गूगल के चक्कर में ना चले आया हूं। गूगल अपने हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बीप लग गया यहाँ पे तो पता नहीं कौन से भैया वाटर पार्क ले जा रहे हैं पार्क की, इनको गूगल भी गलत बता दे रहा है। अच्छा वाटर पार्क है, आप एक बार चले गए ना दोबारा मेरा सर दुखने लगा भाई। अब ये मत कहना भाई कि इस गांव वाले रास्ते चलेंगे हम लोग कच्चे वाले पे, यही जाना है गांव वाले रास्ते पे, नॉर्मल है भाई सब। भाई से मुझे जो टिब्बल चल रहा था वहां नहलवा दो, मैं वहां नहा के चला जाऊंगा, पावल टावल निकालो मेरा, साबुन भी। हाँ साबुन की क्या जरूरत है, कीचड़ होगी यहाँ पे। रे रे बोलते ना मिट्टी को वाली, रे रेत रेत नहीं रे। 2000 years later. So guys, ये देखो ये बंदा सो गया बेचारा, सुबह 4 बजे उठा था आने के लिए, अभी भी ये भ्रम में है कि हम वाटर पार्क जा रहे हैं और हम नैनीताल पहुंचने वाले हैं लिटरली गाइस। देख लो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, अगर ये उठ गया ना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या करूँ भैया बता दूँ उसको अभी उठा के? बता दूँ मुझे बहुत पिटेगा यार, नहीं पता मुझे बहुत डांटेगा। कुछ बताया नहीं था मैंने, कपड़े उपड़े कुछ भी नहीं लेके आया, पता नहीं क्या क्या रखा है क्या नहीं, कुछ कपड़े पता तो नहीं। दिलवा देंगे इसका कपड़े तो, चलो हाँ ले लेंगे, और की टेंशन नहीं है कपड़े की, टेंशन नहीं है, हम तो पैक करके लेके आए थे अपने कपड़ा। तो मुझे पता था, आपको पता था, आप लेके आए थे, मैं लेके आई थी, ये कुछ नहीं लेके। लास्ट टाइम आपके साथ इसने प्रैंक करा, आज इसके साथ ही प्रैंक। हाँ इसीलिए तो मैंने करा, होना चाहिए ना, कितना गंदा प्रैंक किया था मेरे साथ। बदला जरूरी है, रिवेंज ले लिया मैंने। अभी थोड़ी देर बाद उठाते हैं ना, पहुंच जाएंगे तो ठीक है। सो गाइस अभी इसको सोने देते हैं, मैं चाह रही हूं थोड़ा नींद कंप्लीट हो जाए इसकी। नहाना ही है ना, वाटर पार्क के होटल में नहला देंगे। तो अक्सर भाई सब आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारे रील्स वायरल होते आती हैं, सो रहे हैं चड्ढा पहन के लोअर पहन के, घर पर रहते हैं, पहुंच जाते हैं लद्दाख मनाली, ऐसे हमारे साथ भी आज हुआ है और हम पहुंच गए हैं नैनीताल गाइस। ये देखो 2 घंटे की नींद क्या लगी, पहुंच गए नैनीताल, अगर 2 घंटे और सो लेते भैया आपको लंदन पहुंचा देते, समझ में आया? और ये सब भाई मतलब इतनी बड़ी इन लोग की प्लानिंग है भाई साहब, तुम प्लानिंग आप कर सकते हो, मैं नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ चलो एक टाइम अगर बता देते कि हाँ भाई चलो यहाँ चल रहा है, पूरे रास्ते में वाटर, आप लोग खुद देखो, मैं ये लोअर ये टी शर्ट लेके बढ़िया से बैग, मेरे शैम्पू 2 रखा हूँ, एक 5 रुपए वाला साबुन रखा हूँ कि नहाएंगे वहाँ पे, नहाएंगे
ये लोग मेरे को जरा से कहीं नहीं बता रहे क्या प्लान है क्या प्लान है अपना। तो भाई ये लोग बढ़िया से एकदम रेडी होके आए हैं। मुझे सोचो, मैं मुंह सुबह 4 बजे उठा था, 4:30 बजे उठा ना, मुंह धुला ना ऐसे चल दिया। बालू लास्ट ब्लॉग में बताओ ये आपको कहा, हाँ चलो तुम्हें घुमाने ले चलते हैं, अरे वो तो भाई वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये कैसे कैसे ठीक कैसे, तुम तो चुप रहा हो क्या, चुप रहा हूँ, अरे यार तुम गुस्सा हो रहे फालतू, आप प्रैंक करते मैं गुस्सा करती हूँ क्या, सही मैं आप सही बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं करो, करो मुझसे बात, नहीं पता मुझे घर जाना था मुझे, इसीलिए तो नहीं बताया ना, बता दीजिए कब चले जाते हैं ना, आते नैनीताल आते नहीं आते ना फिर, आते फिर कभी आते देखा जाता, काम करो पारुल तुम उतरो, तुम उतर के घर जाओ, हम जा रहे नैनीताल, हाँ भाई उतार दो भाई मेरे को, नहीं देखना ऐसा पहाड़ पर मेरे को, उतार दो उतार जंगल घूमने, हाँ चलो लिफ्ट लेके चला जाऊंगा मैं, लिफ्ट देने वाला कौन होगा, लिफ्ट लेके चला जाऊंगा, अरे मेरे बहुत सब्सक्राइबर है, मैं स्टोरी लगा दूंगा आई नीड हेल्प करके, सब्सक्राइबर कोई ना कोई मेरे को, ये भाई सुनसान रोड पे इनके सब्सक्राइबर, नहीं नहीं ये गलत किया आप लोगों ने भाई मेरे साथ, कुछ गलत आपने किया था, कुछ कल तो एकदम खिकी करके हंस रहे थे, घर चले जाना बाद में, घर मुझे तो चलना है ना, अरे कोई नहीं भाई आए हो एंजॉय करो, तुमको एंजॉय करो, देखो नैनीताल पलटा हुआ है 30 किलोमीटर भाई नजारे का मजा लो। सो गाइस ये देख लो हम पहुंच गए हैं और अभी एंजॉय कर रहे थे, ये देखो इसका सर दर्द हो रहा है बेचारे का बैठे बैठे, क्योंकि पूरी रास्ता ऐसे ऐसे था ना, गली गली ऐसे टाइप का, इस वजह से इसका सर दर्द होने लगा, दवा है ना, दवा है मेरे पास सर दर्द की, हाँ बताओ नहीं खाना तो फिर क्या हुआ, बना और इस फोटोज और क्या भाई, बनाया तो मैंने सबसे पहले वही काम करती हूँ, व्लॉग बाद में शूट करती हूँ। गाइस ये देखो नैनीताल 16 किलोमीटर है अभी यहाँ से, और ये भाई दीदी कुछ पता नहीं कर रही है और ये लोग रील्स बना रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे पहुंचे, देख लो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यार, ओ भाई साहब आ रही है बस, आ रही है बस, बस आ रही है भैया, भैया उड़ने वाले हो बस अच्छा लग रहा है, पंछी बनो उड़ के फिर, पंछी नहीं बन सकते तुम, हाय चले, हमारा जुगाड़ बिगड़ चुका है, गाड़ी वाला बिगड़ चुका है, हाँ कबाड़ कर दिया है। गाइस निक के टेलीग्राम चैनल को मत भूलना और आज ही अपने 100% सक्सेस जर्नी को शुरू कर दें, आप में से कोई भी 2000 रुपए को कई गुना पैसों में बदल सकता है, मैंने ये प्रूव कर चुका है ऑलरेडी, तो अब तुम अपना चांस मिस मत करो, लिंक पिन कमेंट बॉक्स में दिया गया है, गुड लक। गाइस पहले भैया गाना सुन लो फिर आगे हम ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस फाइनली हम नैनीताल पहुंच गए, मैं पता नहीं क्यों जब से मैं आई हूँ नैनीताल के बारे में नेपाल नेपाल बोल रही हूँ, नेपाल की हैबिट पड़ रही है ना बोलने की, इस वजह से दोनों का नाम ना सही है, इसी वजह से बाबा मसूरी निकल जा रहा है, जैसे ये मसूरी घूम के आए ये मसूरी बोल रहे हैं, मैं नेपाल घूम के आई हूँ इसलिए नेपाल बोल रही हूँ। तो गाइस हम नैनीताल पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा दूर है अभी रूम वगैरह, अब यहाँ पे सर्च करेंगे फिर हम चलेंगे रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत थक गए, मैं तो नहीं थकी हूँ यार, इतना अच्छा जुगाड़ भैया ने कर दिया तो थकने का कोई चांस नहीं है, ये दोनों थके हैं, दोनों के बम सूज चुकी है, इसी में सो जाओ, हम लोग होटल में जा रहे, अरे नहीं यार ये क्या बात है, ये देखो खुशी देखो सो गई बेचारी, इनकी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी इस वजह से, और मैं भी थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा सा चक्कर चक्कर सा लगा था क्योंकि रोड ऐसे ऐसे थी बहुत ज्यादा, लेफ्ट राइट टर्न था इस वजह से, बाकी गाइस रूम पे पहुंचते हैं तैयार होते हैं फ्रेश होते हैं फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस ये देखो ये बंदा मुझसे ना थोड़ा सा गुस्सा हो गया क्योंकि इसको मैंने बताया नहीं था नैनीताल जाने वाला प्लान, उसको तो लगा मोटर पार्क जा रहा है घूमने के लिए, तो कुछ कपड़े वड़ा लेके नहीं आया था, यहाँ पे हम रुके हैं इसके लिए कपड़े देने के लिए, मुंह बना लिया, ओए सरप्राइज था बेबी आपके लिए, सरप्राइज था ये, क्या यार मैं लगा आप चले जाओगे साथ में घूम लेते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वाटर पार्क, अरे यार ये सो गया गाड़ी में, भाई साहब यहाँ की गलियों में होटल ढूंढ रहे हैं, हम लोग को लेक साइड चाहिए था, लेक साइड वाली होटल मिल नहीं रही है, तो भाई देखिए अगर आप लोग कार से यहाँ पे आ रहे हैं नैनीताल तो पहली बात जान जाइए माल रोड, अगर इधर आप जाएंगे आगे यू टर्न मिलेगा आपको,
अगर एकदम आखिरी मोड़ से मुड़ेंगे तो भैया यहाँ का सिर्फ 110 रुपए, 110 रुपए इसका टोल ले लेंगे मतलब का। तो हमारा तो कट गया, तो आप अपना प्लीज ना कटवाएं। बीच बीच में मुड़ने का है तो वहाँ से आप लोग आ सकते हैं। ये मत सोचना कि एकदम आखिरी चलेंगे, बाद में यूटर्न लेके चले आएंगे जैसे हम लोग सोचे। होटल तो होटल सेंट्रल था ना, क्लासिक। बाकी होटल तो अभी मिल नहीं रहा है, देखते हैं कौन सा यार। और भाई मेरे रोंगटे देख रहे हैं कैसे खड़े हो जा रहे हैं ठंड की वजह से। मैं तो बना रही हूँ, दिखा दो लोगों को, सुमित जाके दिखा दूंगी ना फिर कैसा आ रहा है।